सभी संगीत प्रेमियों और कलाकारों का संगीत मेंटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेजर स्केल सिखाने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें सीखते हैं डी मेजर स्केल, उसके बाद सीखेंगे ई मेजर स्केल, उसके बाद आएगा ए मेजर स्केल और बी मेजर स्केल। दोस्तों, आज के लेसन में ये चार स्केल सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डी मेजर स्केल की। तो डी जो है वो हारमोनियम पे सफ़ेद एक और सफ़ेद दो जिसे हम लोग कहते हैं, डी से शुरू करना है। ये सी डी जो डी नोट है, यहाँ से हमें प्ले करना है डी मेजर स्केल। मेजर स्केल में सारे गामा पदनिसा शुद्ध स्वर भी बजाने हैं, लेकिन डी से स्टार्ट होगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये था डी मेजर स्केल, लेकिन इसे प्रॉपर फिंगरिंग से कैसे बजाएंगे हम, आप वो देखिए। फिंगर पोजीशन 1 2 3, फिंगर नंबर 1 2 3 ऐसे आएगा। उसके बाद में थंब नीचे शिफ्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका असेंडिंग का फिंगरिंग होगा 1 2 3 1 2 3 4 5। एंड हाउ टू प्ले, 1 2 3। अब नीचे से थंब रखिए, 1 2 3 4 5, डिसेंडिंग 5 4 3 2 1। अब ऊपर से मिडिल फिंगर 3 2 1, देखिए एक बार, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। अब धीरे धीरे से स्पीडली बजाएंगे, लेकिन सेम फिंगर से 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। तो दोस्तों, ये था डी मेजर स्केल। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ई मेजर स्केल पे। ई मीन्स सफ़ेद तीन, सफ़ेद एक, सफ़ेद दो, सफ़ेद तीन। सफ़ेद तीन पे आपको थंब रखना है, 1 2 3। पहले ये तीन फिंगर्स आएंगे, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। तो दोस्तों, जो ई मेजर स्केल है उसमें टोटल चार ब्लैक कीज आते हैं। पहले ये आएगा एफ शार्प और जी शार्प, उसके बाद सी शार्प और डी शार्प, ठीक है। और थंब नीचे लगाना है वाइट कीज पे, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। अब थोड़ा स्पीडली लेते हैं, फिर से देखिए। तो दोस्तों, इसकी भी फिंगरिंग 1 2 3 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 1 2 3, थंब नीचे से चेंज करना है ऐसा, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। इसके बाद हम लोग आते हैं ए मेजर स्केल पे। ए मेजर स्केल मीन्स, ए मीन्स व्हाट, 1 2 3 4 5 6, सफ़ेद 6, सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6। सफ़ेद 6 का मतलब होता है ए। अब ए का स्केल बजाना है हमको, इसकी भी फिंगरिंग सेम है, 1 2 3 1 2 3 4 5, लेकिन किस देख लीजिए क्या आती है, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। तो इसमें तीन ब्लैक कीज आ गई है, एक आ गया सी शार्प, एफ शार्प और जी शार्प, 1 2 3। बाद में थंब नीचे से रखे, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1, थोड़ा स्पीड में।
और आपको साथ साथ में बोलना है 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1 बोलना है, इसलिए है ताकि उसका टेम्पो बना रहे, ताकि आप प्रॉपर टेम्पो में उसको बजाए। स्पीड कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप उसे स्लो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्लो प्रैक्टिस कीजिए, अगर फास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फास्ट प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको स्लो बजाना है। फिर से एक बार देखिए ए मेजर स्केल, थोड़ा स्पीड। तो दोस्तों ये था ए मेजर स्केल। ए के बाद आता है बी। बी मींस सफ़ेद सात, 1 2 3 4 5 6 7 सफ़ेद सात। अब बी मेजर जो स्केल है इसकी फिंगरिंग 1 2 3 1 2 3 4 5 ये भी है, लेकिन इसमें पांचों ब्लैक कीज आती है, ऑल फाइव कीज यू हैव टू यूज। ओके सी हाउ इट कम्स, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1 प्लीज सी अगेन, 1 2 3 1 2 3 4 5 फिफ्थ फिंगर लगेगा लास्ट में, 5 4 3 2 1 3 2 1 अगेन। तो दोस्तों ये स्केल कोई भी गाना बजाने के लिए, कोई भी सॉन्ग को बजाने के लिए, गाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसे जहन में बिठाना और प्रॉपर फिंगरिंग से बजाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्केल से ही बजा रहे हो लेकिन अगर फिंगरिंग गलत बजा रहे हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो सकती है उसमें, या फिंगर्स रुकेंगे या आप फास्ट नहीं बजा पाओगे। तो स्केल सिखाने के लिए इसमें फिंगरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आप ध्यान रखिए। फिर से एक बार मैं चारों स्केल बजा के बताता हूँ आपको, डी मेजर, ई मेजर, ए मेजर और उसके बाद में आएगा बी मेजर। ये डी मेजर में पहले 1 2 3 का पोजीशन ये है, उसके बाद चेंज करके फिंगर 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये पोजीशन है 1 2 3 देन 1 2 3 4 5। अभी स्लो में देखिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। अब मैं इसमें एक सैम्पल सॉन्ग बजा देता हूँ। अगर कोई बोलता है कि जब कोई बात बिगड़ जाएगा ना डी मेजर स्केल में, तो डी मेजर स्केल में क्या करना है आपको, जो उसका सा होता है फर्स्ट नोट, ग होता है जो थर्ड डिग्री का नोट, और फिफ्थ डिग्री का नोट होता है प, तो सा ग प आपको तीनों साथ में बजाना है। तो वो डी स्केल के ये जो थ्री नोट्स है फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ डिग्री का, इसको जब आप साथ में बजाते हैं तो ये बन जाता है डी मेजर कॉर्ड। और जब ये कॉर्ड साउंड करता है द, आपको ये कॉर्ड साउंड करता है तो आप ये बजा सकते हो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। तो दोस्तों इस साउंड पे गौर कीजिए डी मेजर के द, लेकिन ये कॉर्ड को जब हम डी मेजर से ई मेजर पे चल जाएंगे ई मेजर स्केल में, तो ये ई मेजर का सा ग प पकड़ेंगे तो ई मेजर कॉर्ड हो जाएगा। आप हमिंग में गुनगुनाइए, देन यू कैन स्टार्ट सिंगिंग, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। तो दोस्तों ऐसा होता है जब डी कॉर्ड है द, जब कोई बात बिगड़ जाए, फिर ई मेजर, जब कोई बात बिगड़ जाए, तो ऐसे शिफ्ट होता है ये। उसके बाद ये ए मेजर स्केल, अगर ए से किसी ने कहा ये गाना हम ए में गाते हैं या ए में प्ले करते हैं, तो ए से जो सा ग प बनता है उसका फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ नोट ऑफ द स्केल, वो आपको प्ले करना है और ये हमिंग लेना दिमाग में, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। तो दोस्तों ऐसा साउंड चेंज होता है। उसके बाद आते हैं बी मेजर स्केल, ये बी मेजर स्केल का सा ग प, सा ग प, ये बी मेजर स्केल,
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। तो दोस्तों ये था डी मेजर कॉर्ड, ई मेजर कॉर्ड, ए मेजर कॉर्ड और उसके बाद बी मेजर कॉर्ड। तो सबसे पहले आपको स्केल बजाना सीखना है, डी मेजर, ई मेजर, ए मेजर और बी मेजर। अगर आप स्केल सीख जाते हैं तो उसी जो स्केल आप प्ले करते हैं उस स्केल का जो सा, ग और प को आप साथ में प्रेस करेंगे तो वो जैसे डी मेजर स्केल का जो आप सा ग पे सा ग और प्ले प को प्ले करोगे तो वो डी मेजर कॉर्ड हो जाएगा। सेम फार्मूला आपको सभी स्केल में यूज़ करना है। ओके, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का लेसन आपको अच्छी तरीके से बहुत ही आसानी से समझ गया होगा और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेसन में मिलते हैं जल्दी ही किसी नए गाने के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।